हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं ठेकुआ। ठेकुआ बनाने के लिए हमने इधर काजू लिया है, बादाम, इलायची, थोड़ा नारियल का बुरादा। अभी हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अभी हमने पेस्ट बना के तैयार कर दिया है। अभी हमने आधा लीटर दूध, एक कटोरी चीनी को डाल के इसको गाढ़ा कर लिया है। इसको हमने पहले ही गाढ़ा करके रख लिया था, इतना गाढ़ा होना चाहिए। अभी ये बनके तैयार हो गया है। हमने एक कटोरी मैदा लिया है भर के, इसको डाल देंगे। आधी कटोरी सूजी ले लिए हैं, इसको भी डाल देंगे मैदे में। अब हमने एक कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है, इसको भी डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी देखिए, हमने मिक्स कर दिया अच्छे से। अभी हमने एक चम्मच भर के घी डाल दिया है। घी को गरम नहीं किए हैं क्योंकि जो हमने दूध उबाला है, दूध गरम है, तो अभी उसी में घी भी गरम हो जाएगा अच्छे से। इसको पहले खस्ता करेंगे अच्छे से मिलाते हुए। देखिए अभी कितने अच्छे से खस्ता हो गया है, अच्छे से खस्ता हो गया है। जो बादाम काजू पीस के पेस्ट बना के रखे थे उसको डाल देंगे। अभी डाल दिए और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें हमने ये काजू बादाम का पेस्ट डाला है, ये मिक्स करने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। अभी देखो अच्छे से मिक्स हो गया है। हमने जो दूध और चीनी उबाल के गाढ़ा किए थे इसको डाल देंगे। अभी हमें इसी से आटा लगाना है, पानी से नहीं लगाना है। देखो अभी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से पूरा इकट्ठा हो गया है। हमें इसको आटे की तरह बहुत अच्छे से नहीं मसल मसल के लगाना है, बस हमें इसका एक डो तैयार कर लेना है। इकट्ठा कर लेंगे, जोड़ लेंगे पूरे आटे को बस। अभी आटा लगा के तैयार हो गया है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे ऊपर से थोड़ा से, क्योंकि चीनी डालने से क्या है, जब इसको हम फ्राई करेंगे तो डिजाइन बहुत अच्छी बन के आएगी उभर के। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी देखिए अच्छे से डो बन के तैयार हो गया है। अब हम चल रहे हैं बनाने। देखिए हमने छोटा छोटा बॉल्स बना के तैयार कर दिया है। सारा बॉल्स बना के रख लेंगे। और इधर हमने तेल रख दिया है, गरम हो रहा है। हमने जो बॉल्स बनाए थे उसको देखो इस पे रख के ऐसे थोड़ा दबा देंगे। कितनी अच्छी डिजाइन आ रही है बन के। ऐसे हम पूरा बना के रख लेंगे सारा। अभी तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालते जाएंगे ऐसे। गैस को बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना है, स्लो ही रखना है। अभी देखिए ये फ्राई हो रहा है, कलर कितना अच्छा आ गया है। इसको हमें एकदम स्लो गैस से पकाना है, इसको पलटते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पे। कितने अच्छे से पक गया है, कलर भी बहुत अच्छा आया। अब इसको हम निकाल लेंगे पूरा, ऐसे हम निकाल निकाल के रख लेंगे इसको। अभी देखिए हमने निकाल दिया है। अब हम दूसरी बार भी डालेंगे ऐसे, सारा बना के तैयार कर लेंगे ऐसे। अभी देखिए हमने सारा ठेकुआ बना के तैयार कर दिया है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है और तोड़ने से टूट भी जा रहा अच्छे से। देखिए कितना अच्छा है, अंदर से पक भी गया है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।